आज से कुछ साल पहले एक बीमारी फैल गई थी पूरे इंडिया में और अनगिनत लोग मर गए थे उस बीमारी की वजह से, जिसको आज हम मलेरिया बोलते हैं। सबने सुना है इस बीमारी के बारे में? क्या हुआ था जब वो बीमारी फैली थी? उसको कहा गया था महामारी, कि महामारी फैल गई है। और तरह तरह के लोग अलग अलग जगह से उठ करके आगे आ गए थे कि हमारे पास इसका इलाज है, हमारे पास इसका इलाज है, हमारे। और लोग भागे जा रहे हैं इधर से उधर, जहाँ जिसने बोल दिया कि हाँ आपके पास में चूरन है, इससे ठीक हो सकता है, चूरन खा लिया, ठीक नहीं हुआ, आप वहाँ जाओ उनसे मिलो, ठीक हो जाएगा। वहाँ भी ठीक नहीं हुआ, वहाँ जाओ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ, वहाँ जाओ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता था, जिसको मलेरिया हुआ वो मरता ही चला जा रहा था। तो लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, और हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं। हम इन सारी बातों से सीखने की बजाय इन सारी बातों को भूल जाते हैं और फिर वही गलतियाँ दोहराने लग जाते हैं। समझ नहीं पाते कि लोग किस तरह से हमारे माइंड के साथ में खेल रहे हैं, क्या खेल चल रहा है। तो लोगों ने बोला कि घोर कलयुग आ गया है और सब कुछ खत्म होने वाला है, भगवान को गुस्सा आ गया है, अब कोई नहीं बचेगा इस पूरी दुनिया में। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, ऐसी ऐसी बातें। सोचो क्या बोल रहे हैं कि भगवान को गुस्सा आ गया है, भगवान को। सोचो, हमने मान लिया क्योंकि हमें लगता है कि भगवान भी हमारे जैसा ही है, कि हमें गुस्सा आ सकता है तो उसकी भी शक्ल हमारे जैसी होगी, बॉडी हमारे जैसी होगी, क्योंकि हमारी छोटी सोच में वो बड़ी चीज़ फिट नहीं होती। तो हम भगवान को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद हैं, ना कि जैसा वो है। ऐसा है भगवान? तो लोगों ने बोला कि भगवान को गुस्सा आ गया है, अब क्या करो, पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, वो करो। लोग पता नहीं क्या क्या करे जा रहे, करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन लोग मरते रहे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो कुछ लोग एक लेबोरेटरी में बैठ करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। वो इस बीमारी के कॉज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहां साइंस की पकड़ में कॉज आया, समझ जाओ कि उसका सोल्यूशन आया। जिस दिन हमको कॉज समझ आ गया कैंसर का इलाज ऐसे हो जाएगा। कॉज समझ आने की देर है, कॉज पकड़ में नहीं आ रहा, अंदर तक नहीं आ रहा, और वो पकड़ में आ गया। तो क्या समझ में आया कि ये किसी भगवान की वजह से नहीं हो रहा है, किसी भगवान को गुस्सा नहीं आया है, एक मच्छर की वजह से हो रहा है। और मच्छर भी सब तरह के नहीं, सिर्फ वो मच्छर जो इन्फेक्टेड है, जिसमें वो वाला पैरासाइट है जिस पैरासाइट के हमारे बॉडी में एंटर करने की वजह से हमको एक बीमारी होती है, जिसको मलेरिया बोलते हैं। और जैसे ये समझ आया तो उसकी एक एंटीडोट बन गई, दवाई बन गई, इसको क्विनाइन बोलते हैं, हम सबको पता होगा। गोली खाई, ठीक, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। आज अगर किसी को मलेरिया होता है और आप कहीं जाते हो तो लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, या बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ और जा करके गोली खा। सोचो, वो लोग जो अंधविश्वास फैला रहे हैं वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो साइंस के दायरे के अंदर आ चुका है।